दोस्तों हम लोग पैंगोंग लेक से निकल गए हैं, हमारी खाना वगैरह हो गई और हम लोग नोबरा होते हुए ले होते हुए श्रीनगर की तरफ निकल जाएंगे। तो अभी से होती है हमारी जर्नी स्टार्ट और हम लोग आ गए रोड पे और हमारी ये बोर्ड रही और हम कोशिश कर रहे हैं अब लिफ्ट लेने की, देखते हैं कितना देर बाद लिफ्ट हमें मिलती है अगली, क्योंकि अभी तक तो हम ये लोग चल ही रहे हैं रोड पे। तो चलिए आगे दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों हम पैंगोंग से निकल गए हैं नोबरा की तरफ, जो यहाँ से करीब करीब 45 किलोमीटर दूर है। ये पिकअप वाले भैया ने हमको ले ली, तो आज हम चलते हैं नोबरा। फिर नोबरा से अगर नोबरा फिर हम उधर से कश्मीर के लिए निकल जाए। हम लोग दुर्मुख आ गए हैं और इस रास्ते से निकल ही रहे थे, तो ये बाइकर वाले भाई लोग हमको मिल गए। तो यार भाई लोग के साथ हमने चाय वाय की, नाश्ता वगैरह। थैंक यू सो मच। अरे अरे यार थैंक यू। तो भैया अपना नाम बताइए। यार मेरा नाम कुणाल रॉय है। एंड यार देखो मुझे ऐसे बंदे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ना इन लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अगर आप भी इन लोगों से कहीं मिलते हैं ना तो प्लीज इनके साथ बैठिए, बात कीजिए, आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड सच्ची मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा टाइम लगेगा जैसे मुझे लगा है। तो अगेन थैंक यू सो मच ब्रदर हमें टाइम देने के लिए। और भैया का भी यूट्यूब चैनल है। भैया अपना यूट्यूब चैनल का नाम? भैया मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रॉय कुणाल। मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, बाइक राइडिंग करता हूँ, थोड़ा एडवेंचरस चीज है। तो अगर आपको एडवेंचरस चीजें पसंद है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, रॉय कुणाल के नाम से अपना चैनल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो व्यूअर आप लोग भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इनके वीडियो को शेयर करें। और ये भी भैया है, आप अपना नाम? मेरा नाम हनीश। हनीश भैया कहाँ से? भैया राजस्थान। ओके राजस्थान से भैया भी है। भैया से मिलकर काफी अच्छा लगा। ओके तो हम लोग यहाँ दुर्बुक से निकलेंगे। हमारा आगे का प्लान था नोबरा जाने के लिए, लेकिन नोबरा यहाँ से काफी दूर है और वहाँ से ले भी काफ़ी दूर हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो हम लोग सीधा लेह के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से करीब करीब 105 किलोमीटर इस रास्ते से आके इसी रास्ते से होकर ले होते हुए हम लोग आज श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। सो दोस्तों जैसे ही मैं दुर्बुक से लेह की तरफ निकला, एक बाइकर्स की ग्रुप लेह की तरफ जा रही थी जिन्होंने मुझे डायरेक्ट लेह तक की लिफ्ट दी है। और आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ख़राब हो रखी है। सो कोई नहीं, चलिए मिलते हैं ले में। तो दोस्तों हम लोग सोलतक से गुजर रहे थे और यहाँ मौसम काफी खराब हो रखी है, तो इस वजह से आगे जाने की इच्छा नहीं है। चाय वगैरह पी रहे थे और ये सारे पीछे हमारा नॉमेडिक प्लॉट देखा तो आगे बर्फबारी हो रही है भयंकर। बर्फबारी हो रही है हमारे पीछे, देख सकते हैं हम लोग, काफी ठंड लग रही है। ये भाई सोलतक है, सोलतक काफी ठंडी जगह यार, शरीर जम जाती है यहाँ पे। तो ये एक नोमैडिक होम है जहाँ पे नोमैडिक क्लब स्टे करते हैं और हम भी बाइक वाले भैया का साथ ही आ रहे थे साथ में ही। तो आगे ठंड की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस वजह से चाय वगैरह पी रहे थे भाई। आगे भाई साहब को लग रही है हमारी तो फटी पड़ी है, इतनी ठंड लग रही है।
लग रही है, मैं क्या बताऊं भाई साहब, जबरदस्त मजा लग रहा है। भाई साहब हम लोग खारू गांव के पास रुके थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो ये एक भैया मिले जो साइकिल से पूरा भारत यात्रा कर रहे हैं। तो ये काफी जज्बा वाली बात है, देख लो हिम्मत भैया में। भैया आप कोलकाता से हो? हाँ, कोलकाता से भैया आ रहे हैं और ले वगैरह हो गए और ये पैंगोंग के लिए जा रहे हैं। भैया अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। और भैया आपका कुछ सोशल मीडिया वगैरह पे है आप? नहीं नहीं, मैं सिर्फ फेसबुक में, मेरा एक फेसबुक अकाउंट है। अच्छा। और मेरा नाम PRADIPSINGH। हाँ, तो इनके फेसबुक पेज पर जा करके इनको फॉलो करिए, इनको लाइक करिए, इनको प्यार दीजिए। भैया को काफी मतलब क्या बताओ, काफी प्राउड वाली काम कर रहे हैं भैया, साइकिल से निकले हुए हैं, ठीक है, तो काफी प्राउड फील हो रही है। तो भैया अभी तक आप आगे कहाँ तक जाएंगे? पैंगोंग जाएंगे भैया, आगे पैंगोंग के लिए उधर कश्मीर की ओर। ओके, ठीक है भैया, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों हम लोग श्रीनगर के लिए निकल ही रहे थे, तो घोड़ा चौक पर ये भैया मिल गए। भैया अपना नाम बताइए। सुमन कुमार। सुमन भैया आपने बिहार के भागलपुर से पढ़ते हैं और ये इनका गोलगप्पे का बिजनेस है। तो ये अपना बिजनेस, ये अपना ठेला जो है आसी पास लगाते हैं, घोड़ा चौक के आसपास ना भैया। तो जो भी इस रास्ते से गुजरे तो भैया के दुकान पर जरूर विजिट करें और भैया का थोड़ा सपोर्ट करें अपने अपने तरफ के। भैया ठीक है, भैया जरूर सपोर्ट करें और यहाँ का खाके जरूर जाएं, काफी टेस्टी बनाते हैं ये अपनी गोलगप्पे वगैरह, और एक बार जरूर विजिट करें, टेस्ट करें। सो फाइनली दोस्तों हम लोग हैं लिकिर गांव में, जो ले से अराउंड 60 किलोमीटर आगे है ना। तो हम लोग दोस्तों एक्चुअली ले से श्रीनगर के लिए निकल गए थे, लेकिन श्रीनगर वाले रास्ते में जा ही रहे थे तो रास्ते में ही नितिन भैया मिल गए हमने। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे इन्हें एक्चुअली क्या है, हम लोग को अपने यहाँ होस्ट कर ली, बोले कि यहाँ आप लोग रुको हमारे साथ। तो अभी हम लोग करीब एक घंटा पहले पहुँचे, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग साथ में आप देख सकते हैं। और ये भैया है बंगाल से। भैया आपका नाम? मेरा नाम है आयन, आया मैं कोलकाता से हूँ। ओके,
अभी तो लद्दाखी बन गए, दो साल हो गया ऐसे ही समझ लो। और ये रहे निकजिन भैया के पिताजी जुले, और उनकी माता जी निकजिन भैया के जुले माता जी, और ये रही निकजिन भैया की वाइफ जुले, और ये हमारे दिलजीत भैया, ये जैसे भैया आगे जबरदस्त काफी मजा आ रहा है। तो भाई जी यार एक बात मैं बोलना चाहूंगा यार, घूमने आते हो पैंगोंग घूमते हो और चले जाते हो, नूबरा वैली होगी सब हो गया, बट यार तुम गांव को नहीं एक्सप्लोर कर पाते। तो यार एक बार गांव को एक्सप्लोर करोगे ना तो कल्चर पता चलेगा आपको, कि यहाँ के कल्चर से कनेक्ट होगे तो यार बात ही अलग होगी। यार खाना है ना इतना जबरदस्त था पूछो मत, मजा ही आ गया। मतलब अभी सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही हमें और है ना भाई का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। और एक वो एक अभी तो एक बात बता देते हैं कि अभी जो ये ना ये भाई कुछ ऐसा काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि क्या है वो।